फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बंगाल के एक प्रसिद्ध मंदिर में लेके जाऊंगी, तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। हम पहुंच गए मंदिर में, और इस मंदिर का नाम है भ्रामरी देवी मंदिर। ये मंदिर भ्रामरी देवी मंदिर सती दुर्गा से संबंधित 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती का बाया पैर त्रिसोत्रा सालबारी गांव बोदागंज जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में गिरा था। ये पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो चलिए अब मेरे साथ मंदिर के अंदर चलते हैं हम। और ये देखिए इस मंदिर का सबसे अनोखा एक पेड़। इस पेड़ का अनोखा चीज ये है, ये देखिए आप लोग शायद देख रहे हो, ये जो पेड़ आप देख रहे हो सामने, इस पेड़ का जड़ है दो, और ऊपर जाके ये दो पेड़ होके मिलके एक हो गया है। आप देखिए इस जगह का और इस मंदिर का सबसे अनोखा पेड़। दूर दूर से लोग इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं। दो जड़ है आप देख सकते हो, और ऊपर जाके दो जड़ है, लेकिन ऊपर जाके दो पेड़ मिलके एक पेड़ हो गया है। पहुंच गए हैं मंदिर के भीतर, जहां पर देवी माँ का बाया पैर गिरा था, जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था, देवी सती माँ का बाया पैर यहां पे गिरा था। और यहां पे बहुत भीड़ है, तो जैसे तैसे बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया मैंने। ये देखिए देवी माँ का बाया पैर, सब लोग यहां पे सिंदूर चढ़ाते हैं और सिंदूर अपने घर के लिए लेके भी जाते हैं। तो कहा जाता है कि देवी माँ का, देवी सती माँ का बाया पैर यहाँ पे गिरा था। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो आज पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सभी लोग प्यार से बोलो जय माता दी।